नमस्कार, आज मैं आपको बताऊंगी कि NLP क्या है और उसकी हमें ज़रूरत क्यों है, क्यों हमें उसे सीखना ज़रूरी है, क्यों उसकी टेक्निक्स को सीखना ज़रूरी है। जिस प्रकार ज़िंदगी के अंदर हमें हमारा स्वास्थ्य की ज़रूरत होती है, शारीरिक स्वास्थ्य की, उसका देखभाल करना, उसी प्रकार हमें हमारी मेंटल हेल्थ की भी ख्याल रखने की ज़रूरत है। अगर देखा जाए तो जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं उनके चलते आप सभी मानसिक प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स की, आज अगर वो फेलियर देखते हैं तो उनके अंदर वो साहस नहीं है कि वो फेलियर का सामना कर लें। सुसाइड रेट अगर हम इंडिया का देखें तो वो लगातार बढ़ता जा रहा है, हर साल बढ़ता जा रहा है। दुनिया का अगर पूरे वर्ल्ड वाइड हम बात करें तो 8 लाख लोग सुसाइड कर रहे हैं और उसमें से सिर्फ इंडिया के 1,39,123 लोग हैं जो सुसाइड कर रहे हैं पर ईयर, और ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है हर साल। WHO के अकॉर्डिंग हमारे इंडिया के अंदर सबसे बड़ा इशू, जो इमर्जिंग इशू अभी कंटिन्यू जो चल रहा है, वो सिर्फ सुसाइड है। तो कैसे रोके, कैसे मेंटल जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको सुधारें, मेंटल डिसऑर्डर्स हैं उनको कम करें, उन्हीं को कम करने की ज़रूरत है। जिसको हम कम करना है सिर्फ NLP का सहारा लेकर के ही कम कर सकते हैं। अगर एक बिजनेसमैन की बात करें, वो बिजनेस के अंदर पैसे इन्वेस्ट करता है, फिर उसे वो बेनिफिट नहीं मिल पाता, सक्सेस नहीं हो पाता, तो वो क्या करता है, 70 अपने बाद दिमाग के अंदर क्वेश्चंस लेके आता है, प्रॉब्लम्स को अपने आप जनरेट करता है कि मेरे साथ हर बार ऐसा होता है, ऐसे पैसे व्यर्थ हो जाते हैं, मेरा तो जीने का ही फायदा नहीं है, अब मैं क्या करूँगा, कैसे जीऊँगा, मुझे तो मर ही जाना चाहिए। और ऐसे करते करते और वो एक दिन क्या करता है, खुद का ही दी एंड कर लेता है। यानी कि जहाँ उस फेलियर के लिए उसे फीडबैक देने की ज़रूरत है खुद को कि मुझे अब क्या करना है, नए तरीके से स्टार्ट करना है, अब दोबारा कैसे अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है, उसकी जगह वो क्या कर रहा है, खुद को बस फेलियर के लिए खुद को जिम्मेवार बता रहा है ना। हम भी यही करते हैं, अगर फेल होते हैं तो क्या बोलते हैं, किसी ना किसी और को बोलते हैं कि मैं इसकी वजह से फेल हुआ हूँ, या मुझे अपनी लाइफ के अंदर में ये नहीं पाया मैंने तो इसकी वजह ये है, या पेरेंट्स की वजह है, या कि मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिल पाई। पहले आप खुद रिस्पॉन्सिबल बनिए खुद के लिए, कोई और आपको आने वाला नहीं है पुश करने के लिए कि वो आपको पुश करेगा और फिर आप आगे जाओगे, सक्सेस पाओगे, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला। तो इसीलिए NLP की टेक्निक्स को जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपनी मेंटल हेल्थ को सुधारने के लिए। सिंपल सी NLP है क्या, एक मैजिक है जो हमारी लाइफ के अंदर चेंजेस ला सकता है, जो हमारे सोचने के तरीके में चेंजेस ला सकता है। NLP एक ऐसी पावर है जिसके साथ हम अपने ब्रेन को रीडिज़ाइन कर सकते हैं, रिक्रिएट कर सकते हैं आइडियाज़ को। सिंपल सा फंडा है NLP और कुछ नहीं, कि अगर कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो जाए पर हमारा दिमाग कभी नहीं थकेगा, वो उतनी ही एनर्जी के साथ में काम करेगा हर दिन, चाहे कुछ भी हो जाए ना, वो कभी थकेगा ना कभी हारेगा। तो खुद को और अपने मेंटल हेल्थ को इतना इम्प्रूव करने के लिए टेक्निक है, वो है NLP, जिसके अंदर बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिनको सीख करके हम अपनी जो लाइफ के अंदर गोल है उनको पा सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के अंदर कामयाबी हासिल करना, उनको चेंज करना, उनको और ज़्यादा इम्प्रूव करना, तो आज ही विजिट कीजिए और अधिक जानकारी लेने के लिए हमारी वेबसाइट पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जिन टेक्निक से उस कोर्स को सीखने के बाद में आप अपनी लाइफ के अंदर मैजिकल चेंजेस पा सकते हैं NLP के थ्रू। NLP के अंदर वो मैजिक है, वो ताकत है जो हमारे ब्रेन को, उनके आइडियाज़ को रिक्रिएट कर सकती है, रीडिज़ाइन कर सकती है, और जो हमारे ब्रेन का जो सोचने के जो पैटर्न्स है उनको बिल्कुल चेंज कर सकती है। वो पावर है, वो मैजिक है NLP। NLP से हमारा ब्रेन बड़ा ही एक आनंददायक महसूस करता है, उत्साहित महसूस करता है उसको सीखने के बाद में, चाहे सिचुएशन कुछ भी हो, कंडीशन कुछ भी हो, कितने बुरे हालात क्यों हो, पर हमारा दिमाग कभी नहीं थकेगा ना कभी हारेगा, ये सिर्फ हमारे सोचने के पैटर्न्स पर डिपेंड करता है। तो आने वाली वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगी कि NLP के प्रिंसिपल्स क्या है, किन के बेसिस पर ये काम करता है, कैसे काम करता है। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।